अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको हमारे सेहत की बेहतरीन हालत में रखे। आज फ्राइडे का दिन है और हम जा रहे हैं हरम पाक जुमे की नमाज़ पढ़ने के लिए। काफ़ी अर्सा हो गया था कि हम गए नहीं थे, तो हमने सोचा आज हम चले जाते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं और वहाँ पर जाते हैं और आपके साथ लाइव आपके साथ शेयर करते हैं हरम पाक के नज़ारे, हरम पाक में क्या हो रहा है क्या नहीं, सब कुछ आपको हम लाइव दिखाएंगे। तो अरे साथ रहिएगा। अभी हम घर से निकले, अभी हम बस स्टॉप तक जाएंगे और फिर वहाँ से हम बस पे हरम, तो चलते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। हरम हम पहुँच चुके हैं, अभी हम रास्ते में हैं। माशाल्लाह इब्राहिम खलील रोड की रौनकें देखें आप। नमाज का टाइम होने वाला है, तकरीबन 11:15 हो रहे हैं और एज़ यू नो के बहुत जल्दी अंदर से बैठ जाता है तो फिर बाहर बैठना पड़ता है गर्मी में, क्योंकि यहाँ पे तो मस्जिद नबी की तरह पर अम्ब्रेला से वगैरह ही लगी हुई हैं। तो इसलिए मोस्टली लोग प्रेफर करते हैं कि जल्दी चले जाएँ ताकि अंदर जगह मिल जाए। तो हम भी बस निकलते निकलते थोड़े लेट हो गए, तो थोड़ा बस वाले ने लेट कर दिया कि वो जाके बैठे, तो वो 5-10 मिनट उधर खड़ा रहा। और ये देखें माशाल्लाह रौनकें इब्राहिम खलील रोड की। इधर तो ना लोग चलते फिरते ही रहते हैं, इधर ऐसे ही रहता है, रौनक ही रहती है, ये कभी खाली नहीं होती। चाहे आप रात को भी कितनी लेट भी आ जाए, 2-3 बजे भी आ जाए, तब भी आपको खाली नहीं मिलेगी, आपको इधर लोग ही नज़र आएंगे। और साइड पर शॉप्स हैं, अगर आपने शॉपिंग वगैरह करनी है तो हर तरह की शॉप यहाँ पर है। 2-3 रियाल वाली शॉप भी है और खाने पीने के लिए भी है, फ्रोस्ट फूड है। उसके अलावा पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स भी यहाँ पे काफ़ी सारे हैं, काफ़ी अच्छे हैं। बस हम पहुँचने वाले हैं, कबूतर चौक आने वाला है, वो ऊपर क्लॉक टावर है और ये यहाँ की रौनकें हैं। देख सकते हैं माशाल्लाह कैसे नमाजी जा रहे हैं मस्जिद की तरफ। ये सामने से कबूतर चौक स्टार्ट हो रहा है, ये वहाँ तक आगे तक जाएगा और यहाँ पे ऐसा मतलब जैसे हम करीब पहुँच गए तो यहाँ पे लोगों का रश भी बढ़ गया है और कुछ लोग तो यहीं पे बैठना शुरू कर देते हैं नमाज के लिए। लेकिन ना यहाँ पे अजान की इतनी आवाज़ आती है और नमाज की तो बिल्कुल भी नहीं आती है, बहुत कान लगा के भी मुश्किल से समझ आती है। तो आप लोग रेफर किया करें कि ज़रा जल्दी आ जाएँ, लेकिन अंदर चले जाएं, आप मस्जिद में चले जाएं, यहाँ मस्जिद के सहन में नमाज़ पढ़ लें, क्योंकि यहाँ पे नमाज़ अब आपको तलावत ही नहीं सुननी तो आप नमाज़ क्या पढ़ेंगे, वो बंदा उसी में फोकस रहता है। अच्छा अब रुकू में है, अब सस्ते में है, कहाँ मतलब कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, तो इसलिए आप जल्दी आ जाकर अंदर चले। अगर यहाँ पर रश देखें, इन्होंने यहाँ पर इस तरह बैरियर्स लगा के साइड पर नमाज़ें बिठा दिए थे और जो थोड़ा सा रास्ता छोड़ा इन्होंने जाने के लिए अंदर मस्जिद की तरफ, और उस वजह से यहाँ पर काफ़ी रश इकट्ठा हुआ हुआ। पीछे तो जो रश था सामने का रश देखे, इन्होंने सारा पीछे से रास्ता बंद किया हुआ और सिर्फ यहाँ से एंट्री है। और ये किंग अब्दुल्ला एक्सटेंशन है, नई बनी है अभी, आधी अंडर कंस्ट्रक्शन है, सिर्फ पीछे से इतना। वो हम वहाँ से मिसबिला से चल के आए यहाँ तक, बस अंदर जगह मिल जाए। बाहर भी लोग बैठे हुए हैं सामने, तो रश काफ़ी हो गया माशाल्लाह। पीछे तो हवा चल रही थी ठंडी, पर इधर तेल निकल रहा, बहुत गर्मी है, आंखें भी नहीं खोल रही इवन। फाइनली अंदर जाने के लिए रास्ता हमें मिल गया है, गेट नंबर 100। ये देखें कितनी प्यारी इन्होंने एक्सटेंशन बनाई है। माशाल्लाह बहुत प्यारी एक्सटेंशन इन्होंने बनाई है। आगे भी अभी पता नहीं कितना चल के जाना है, रश काफ़ी है, भर गई मस्जिद सारी, मतलब एक्सटेंशन में भर गई है सारी। ये
मुझे तो अंदर जगह मिल गई है, अभी यहाँ पे थोड़ी सी जगह थी, सोफे भी नहीं बिछे हैं फर्श पर, पैर में सलाह है वो भी छाएंगे। हम बाहर जा रहे हैं, मैं बाहर जाके आपको दिखाती हूँ थोड़ा सा बाहर क्या सीन है इस टाइम। और जो नमाज़ हो चुकी है जोहर की, जुमे की, अल्हम्दुलिल्लाह हमने पढ़ ली है और अब हम बाहर जाते हैं। और ये जो लोग हैं ये नमाज़ पढ़ के वापस जा रहे हैं। अभी तो काफ़ी रश कम हो गया क्योंकि हम ज़रा लेट उठे हैं कि रश कम हो जाए। तो फ़िलहाल आपके सामने यहाँ जो भी सूरत हाल है, काफ़ी देर बाद उठने के बावजूद भी काफ़ी लोग अभी निकल रहे हैं। इस साइड पे लेडीज़ का एरिया है नमाज़ पढ़ने का, तो सामने जो है वो बस बाहर निकलते हैं। इस तरफ भी गेट है पर ये फिर उधर बहुत लंबा रास्ता हो जाना था, तो फिर हम अंदर अंदर से ही आ रहे हैं। 114 गेट नंबर है सामने वाला। किंग अब्दुल्ला एक्सटेंशन से आप निकलेंगे तो किंग फहद एक्सटेंशन की तरफ आप ये जाएंगे। आगे लोगों का रश है, रास्ता ब्लॉक है। ये जो बाहर है ये सारा किंग फहद का एरिया है बाहर इसके। हर तरफ नमाजी नमाजी है माशाल्लाह। बाहर के मनाजिर इस टाइम फिलहाल ये हैं, लोग निकल रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, कुछ लोग यहाँ पे बैठे भी हुए हैं। इस साइड सारे होटल्स हैं, सामने क्लॉक टावर है। पानी पीने हमने यहाँ पे उम्रे वाले होते हैं ना, सिर्फ बगैर उम्रे वाले नहीं, वो जाने ही नहीं देते नीचे, मताफ में नहीं जाने देते। उम्रे वाले हम एहराम वाले ही होते हैं। औरतों का तो सेम इसी तरह होता है ना, तो वो उनका कोई नहीं चेक करते, बल्कि मर्दों का तो चेक करते हैं, परमिट चेक करते हैं। उम्रे वाले भी जो आते हैं सिर्फ उम्रे करने के लिए जाते हैं, वैसे नहीं जाने देते। मेरे मियाँ साहब का दुख के वो जाने नहीं देते, औरतों को क्यों जाने देते हैं। खैर, ये वाली जो आपको सारी नज़र आ रही है ये व्हीलचेयर वालों के लिए इन्होंने बनाए हुए, ये फर्स्ट फ्लोर पे जाती है। हम लोग भी जा सकते हैं लेकिन व्हीलचेयर वालों के लिए ऐसा नहीं किया। और साथ आपको उसके पीछे सीढ़ियाँ भी दिख रही हैं, वो भी ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर जाती है। और यहाँ से सीधा मस्जिद है और उसके क्रॉस करके आगे मताफ है। ये जो आपको ये सामने वाली डोर खुला हुआ है ना, तो ये सीधा मताफ में जाता है। और ये किंग फहद वाली साइड आ गई है। ये देखिए सीढ़ियाँ, ये भी ऊपर जा रही हैं और ये वाला भी ऊपर जा रहा है। सामने से इन्होंने रोका हुआ है, बंद किया हुआ है। दूसरी साइड से जाएंगे उम्रे वाले सारे। रौनकें देखे माशाल्लाह जुमे के दिन। हम बाहर निकले थे, हमने सोचा चलो अभी जमजम पी लेते हैं, और उन्होंने वहाँ से सारा रास्ता बंद करके वहाँ से खोला हुआ है। भाई अगर आप यहाँ से भी खोल देंगे तो आपका क्या जाएगा, जितना दिल करता होता है बंद कर देते हैं। वैसे वो एक सिस्टम रखते हैं, हम लोग तंग होते हैं
लेकिन अगर वो सिस्टम ना रखे तो यहाँ पे तो पता नहीं क्या, मतलब लोगों का हजूम ही इकट्ठा हो जाए, कोई डिसिप्लिन ही ना रह जाए। तो ये सामने यहाँ पे जमजम है, कूलर लगे हुए हैं, यहाँ से ठंडा पानी मिलता है, ठंडा पानी आता है यहाँ पे, तो हम चलते हैं और पीते हैं पानी। तो यही था सारा जुमे का व्लॉग, जुमे के दिन हरम पाक का नज़ारे। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो हमें इजाज़त मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।